हेलो भाई डी नो अभी अपन देखते हैं यूनिट नंबर 5 6 यूनिट नंबर फाइव की बेसिक कंसेप्ट एसटीएलडी की। यूनिट नंबर फाइव में अपने को स्टडी करना है सीरियल एडर, बीसीडी एडर, एक्सेस थ्री एडर एंड सब्ट्रैक्टर, बाइनरी मल्टीप्लायर, कोड कन्वर्टर, पैरिटी बिट जनरेटर, पैरिटी चेकर, कंपैरेटर एंड आईसी कंपैरेटर, एनकोडर एंड कीबोर्ड एनकोडर, डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर। ये यूनिट यूनिट नंबर फाइव जो है ये आपको 8 घंटे का है, 13 मार्क्स 8 आवर्स में आपको क्लियर करना है, स्टडी करना है, और 13 मार्क्स का इसका वेटेज है। 13 मार्क्स में अपने को उसको पूरा का पूरा क्लियरली स्टडी करना है और एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, इसको आप इजीली स्टडी करके इसको यूज कर सकते हैं या स्टडी कर सकते। एकदम सिंपल सीरियल एडर, बीसीडी एडर, एक्सेस थ्री एडर, सब्ट्रैक्टर, बाइनरी मल्टीप्लायर, कोड कन्वर्टर, पैरिटी बिट जनरेटर, चेकर, कंपैरेटर, एनकोडर, डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर। ये जो इसके मैक्सिमम चीज़ें जो है ये आपके ऑलरेडी एडीआईसी के सब्जेक्ट में कवर हो चुके हैं, तो आपको वहाँ पे स्टडी करने का भी अच्छा सा अच्छा मौका है, अच्छा सा अच्छा टाइम है, आप वहाँ पे अच्छे से अच्छी तरीके से स्टडी करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं हम यूनिट नंबर 6 में क्या क्या है। यूनिट नंबर 6 में सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन देखना है। जैसे यानी यहाँ पे क्या किया है, यूनिट नंबर 5 और 6 को दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे यूनिट नंबर 5 जो डील करता है वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन डील करेगा, वैसे ही यूनिट नंबर 6 जो है ये सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन के साथ डील करेगा। कन्वर्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, डिजाइन ऑफ सिक्वेंस काउंटर, असिक्वेंस काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, यहाँ पे नए कुछ चीज़ें जो ऐड हो रही है वो मैं आपको बता देता। जैसे FSM नाम का नया कंसेप्ट यहाँ पे ऐड होगा। FSM माने फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन का जो नया कंसेप्ट ऐड हुआ है वो आपके सामने है। उसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल मशीन। जो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल मशीन है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक नया पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है। मिले एंड मोरे मॉडल, ये वेरी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस पर एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आपको 7 मार्क के लिए रहता ही रहता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये यूनिट नंबर 6 जो है ये भी आपको 8 घंटे में अपने को स्टडी करना है और इसका वेटेज 14 मार्क है। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता है, जैसे काउंटर को डिज़ाइन कैसे करना है, काउंटर को यूज़ कैसे करना है, काउंटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, राइट, फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कैसे करना है, फ्लिप फ्लॉप को का कन्वर्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली पता है, आपको उसको इजीली समझ सकते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचते हो इम्प्लीमेंटेशन के, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप उसको इजीली समझ के पढ़ के इसको सीख सकते हैं इजीली। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5 एंड 6। लास्ट में अपन क्या करते हैं कि जो इसके इंपॉर्टेंट बुक्स अपने को रिक्वायर्ड है उसको भी देख लेते हैं एक बार। टेक्स्ट बुक जो आपको इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए, और टेक्स्ट बुक है पीटर एशेदेन बाय डिज़ाइनर गाइड टू VHDL, उनकी सेकंड एडिशन है। उसके बाद आनंद कुमार, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आनंद कुमार, ये बुक आपके पास होना चाहिए जैसे लाइब्रेरी ओपन होती है, या मे भी अगर मेरे पास इसका PDF होगा तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, स्विचिंग थियरी एंड लॉजिक डिजाइन, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो नोट्स है PDF नोट्स वो मैं आपको इजीली शेयर कर दूँगा। रेफरेंस बुक में आपको एक आएगा JF वकरली बाय डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ये आएगा। उसके बाद VP नेल्सन का एक बुक्स है डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड एनालिसिस एंड डिजाइन। मोरिस मैनो, ये बड़ बुक है मोरिस मैनो। जैसे यूनिट नंबर 6 में अपने को 2-3 पॉइंट अपने को पढ़े मिले, मोरो FSM
तो उसके लिए ये जो रेफरेंस बुक है ना, ये अगर आपको थॉरली सब्जेक्ट स्टडी करना होगा तो ये थर्ड नंबर का जो बुक है ना, लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन फंडामेंटल, ये इम्पोर्टेंट। एंड जे भास्कर और वी एडियल प्राइमर, जे भास्कर वी एडियल प्राइमर का जो पीडीएफ है वो मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये बुक इम्पोर्टेंट है अपने को, जो पहले दो यूनिट है नंबर 1 और 2 वी एडियल लैंग्वेज की, वो वी एडियल लैंग्वेज की यूनिट स्टडी करने के लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट